मैंने अक्सर देखा है कि अभी ब्राइड्स जो है वो वेन्यू में पहुंचती भी नहीं है और उनके नेल्स उतर जाते हैं। इस तरह से फेक नेल्स लगाएं कि पूरा इवेंट भी गुजर जाए और नेल्स टस से मस ना हो। प्रोफेशनल टिप्स एंड ट्रिक्स आपको आज मैं बताऊंगी जो बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो वीडियो का टॉपिक तो आप सबको पता चल गया कि क्या है, तो मैं आज आपको बताऊंगी फेक नेल्स आपने किस तरह से लगाने, लाइक अ प्रो प्रोफेशनल्स किस तरह से लगाते हैं जो आपके नेल्स बिल्कुल उतरे ना, फंक्शन पूरा अच्छे से और आराम से गुजर जाए। अक्सर मैंने देखा है ब्राइड्स अभी वेन्यू पर भी नहीं पहुंचती और उनके नेल्स उखड़ जाते हैं, टूट जाते हैं, गिर जाते हैं। तो किस तरह से आप लगाएं कि सारा इवेंट अच्छे से गुजर जाए। जैसे जो नेल्स होते हैं ना उनमें डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स आते हैं, कुछ नेल आर्ट वाले होते हैं, कुछ सिंपल होते हैं, ठीक है। तो आपको इस तरह के नेल चाहिए। अब मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किन की क्वालिटी अच्छी होती है और किन की नहीं, ठीक है। उसके बाद आपको बफर चाहिए और एक क्यूटिकल पुशर चाहिए। अच्छा, अगर आपके पास नहीं है ये चीज़ें, कोई भी बात नहीं है, आप इनके बगैर भी अपने नेल आर्ट को कर सकती हैं स्टार्ट। नेल्स को भी उस तरह से प्रिपेयर किया जाता है जिस तरह से फेस को मेकअप के लिए प्रिपेयर किया जाता है। सबसे पहले आपने अपने नेल्स को कट कर देना है अगर थोड़े से वो बड़े हुए हुए हैं। नेल पॉलिश रिमूवर के साथ आपने नेल्स को अच्छे से साफ कर लेना है अगर उनमें कोई डर्ट है या फिर नेल पॉलिश लगी हुई है। एंड देन आपने फिर नेल फाइलर के साथ अपने नेल्स को फाइल करना है, और दूसरा या फिर बफर है आपके पास, नेल फाइलर है, जो भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आपने अच्छे से अपने नेल्स को फाइल कर लेना है, सही हो गया जी। एक वैसी प्रिपरेशन है जो हम मेकअप करते हैं, प्राइमर लगाते हैं, CTM करते हैं, तो लाइकवाइज आप ये भी करेंगे, ठीक है। ये सैलून्स में होता है इस तरह से, लेकिन अगर घर में कोई कर रहा है तो फिर तरीका आप डिफरेंट कर सकते हो। दूसरी एडवाइस मैं आपको ये दूंगी कि अगर आपकी शादी हो रही है महीने दो महीने बाद, तो आप अपने नेल्स बड़े करना शुरू कर दें, ठीक है। क्योंकि नेल्स बड़े अच्छे लगते हैं, तो आप अपने ही नेल्स बड़े करें, क्योंकि ये जो फेक नेल्स होते हैं ना, इससे काम वगैरह करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, मुझे बहुत मुश्किल लगता है। तो आप जो ना अपने नेल्स बड़े कर लें ताकि आपको कोई डर ना हो, खौफ ना हो। एक तो दिमाग में यही खौफ रहता है कि ये उतर जाएंगे, तो आप इनको इस तरह से अप्लाई करें कि ये उतरे ही ना, सामने वाला इतना कॉन्फिडेंट हो सारा काम करे बिना ये सोचे कि उतर जाएंगे, ठीक है। तो जी हमारे नेल्स हो गए प्रिपेयर, अब हम बात करते हैं अब आपने स्टिक कैसे करना है नेल्स को। अच्छा, तो आपको ना डिफरेंट ग्लू स्टिकर और बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं जिससे आप नेल्स को स्टिक कर सकते हो, वो हम कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन जो ऑथेंटिक मेथड है सैलून्स में, वो वाला मैं आपके साथ आज शेयर करूँ। अब आपने एल्फी ले लेनी है। एल्फी आपको ईजिली मिल जाएगी मार्केट से 10-20-30 रुपये की, ठीक है, इससे ज़्यादा की नहीं, बिल्कुल थोड़ी यूज़ होती है और बिल्कुल चिपका देती है। अच्छा, आप इसको खोलना कैसे, आपने किसी भी पिन को ना गर्म करना है इस तरह से, ठीक है, और देन यहाँ पे इस तरह से लगा लेना है, फिर ये इजीली खुल जाएगी, आपने काटना नहीं है। अच्छा, तो अब हम बात करेंगे कि हमने कौन से नेल्स वेयर करने हैं, कौन से लगाने हैं, ठीक है। अब मार्केट में आपको डिफरेंट डिफरेंट नेल्स के टाइप मिलते हैं, कुछ की क्वालिटी अच्छी होती है, कुछ की ऐसी होती है कि लगाते ही टूट जाते हैं। तो अब ये वाले नेल्स जो आपको देख रहे हैं ना, मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि कैसे हैं, ठीक है। और आपने सबसे पहले क्या करना होता है, आपने साइज़ चेक करना होता है अपने फिंगर्स पे, आपने फेक नेल रखना है, ठीक है, अपने नेल्स के ऊपर रख के आपने इस तरह से साइज़ चेक करना है, जो साइज़ फिट इन आ जाए आपने वो वाला नेल उठा के लगाना है। अब ऐसा नहीं आप अंधाधुंध कोई भी उठा के आपने लगा लिया, इससे क्या होगा कि आप बहुत ही अजीब लगेंगे आपके हाथ, ऐसा लगेगा बहुत बड़े बड़े नेल्स हैं या बहुत ही छोटे छोटे नेल्स हैं। तो आपने हर साइज़ बार बार चेक करना है, ठीक है, कि कौन सा वाला नेल कौन से वाले नेल फिंगर पे फिट आ रहा है, ठीक है। बाद इस तरह के ट्रांसपेरेंट नेल्स भी मिलते हैं, ठीक है। ट्रांसपेरेंट जो नेल्स होते हैं उनका ये थोड़ा सा मसला होता है कि इन पे जो नेल पॉलिशेस है ना उनके कलर एग्जैक्ट नहीं आते, लेकिन किस तरह से आ सकते हैं एग्जैक्ट वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। आपने इस तरह से नेल्स की मेजरमेंट कर लेनी है। अच्छा, इसको कट भी कर सकते हो आप, अक्सर बहुत ज़्यादा गर्ल्स को बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नेल्स नहीं पसंद होते, तो आप इसको उसके अकॉर्डिंग कट भी कर सकते हो। कट कैसे करेंगे वो भी मैं बता देती हूँ आपको, लेकिन सबसे पहले आपने अच्छे से सोच लेना है कि कौन से नेल पे साइज जाएगा। दूसरी बात ये कि ये जो मैं तरीकाकार बता रही हूँ ना, ये आप खुद पे तो कर सकते हैं, लेकिन ट्राई करें कि आपको कोई और नेल्स पेन आ रहा हो, क्योंकि अगर आप खुद को खुद पहनाएंगे नेल्स फेक, तो ये होगा कि आपके हाथ थोड़े से गंदे हो सकते हैं, क्योंकि हम एल्फी से चिपका रहे हैं तो एल्फी से थोड़े हाथ गंदे हो जाते हैं। अब सैलून्स में तो ईजीली अब दुल्हन तो चली जाएगी पीछे, सैलून वाले अपने हाथ साफ कर लेंगे, लेकिन अगर दुल्हन खुद पहनने बैठेगी तो उसके हाथ बहुत ज़्यादा ड्राई ड्राई और फ्लैकी टाइप के हो जाएंगे। आपने नेल चूज कर लिया, उसके बाद आपने सिर्फ वन ड्रॉप आपने लेना है जी एल्फी का, ठीक है। आपने इस तरह से एक ड्रॉप नेल पे गिराना है, एंड देन आपने अपना नेल जो है ना इस तरह से रख देना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फोर्स भी नहीं लगाना,
बस आपने रखना है एंड देन यहाँ नीचे से इसको प्रेस करना है। अच्छा, ये जो नेल होंगे ना, अगर इनकी क्वालिटी अच्छी होगी तो ये टूटेंगे नहीं, लेकिन अगर इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो ये टूट जाएंगे। आप एक टेस्ट भी कर सकते हो इनको लगाने से पहले अपने फिंगर्स पे, तो टूट जाएंगे। अब ये वाले जो नेल्स थे इनकी क्वालिटी इतनी कुछ खास नहीं थी, तो जैसे ही हमने फिंगर्स पे लगाया तो ये टूट गए। ठीक है, खैर इनके ऊपर नेल पॉलिश हम लगाएंगे तो वो तो छुप जाएंगे, लेकिन मैं इसलिए भी ये चीज़ बता रही थी ताकि आपको बता दूं कि कौन सी नेल्स की जो टाइप है वो अच्छी है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने बिल्कुल एक ड्रॉप एल्फी का लिया एंड देन उसके ऊपर इस तरह से अपने नेल्स को प्लेस कर दिया, दैट्स इट। ठीक है, आपने इस तरह से फिर हाथ लगा के अच्छे से प्रेस कर लेना और ये फ़ौरन से चिपक जाते हैं। और यकीन करें आपका पूरा फंक्शन गुजर जाएगा लेकिन नेल्स नहीं उखड़ेंगे, ये मेरी गारंटी है। आपको इनका साइज़ कट करना है तो आप ऊपर से इनको नेल फाइलर के मदद से छोटा भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मुझे थोड़े बड़े बड़े नेल्स पसंद हैं तो मैं इनको इतने ही साइज़ का रखूँगी, लेकिन अगर आपके जो कस्टमर है, जो आपका क्लाइंट आ रहा है, उसकी फरमाइश है कि भी थोड़े छोटे कर दो, तो फिर आप इसको नेल फाइलर के मदद से छोटा कर सकते हो, या एक नेल कटर आता है जो स्पेशली फेक नेल्स के लिए होता है, वो भी आप जो है ना ले सकते हो। मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा लूंगी ताकि आप बाय कर सको। लेकिन जी हमारे नेल्स बिल्कुल अच्छे से लग गए और ये ऐसे हैं कि ये बिल्कुल भी नहीं उखड़ेंगे और यहीं पर स्टिक किए हुए होंगे। बारात का मेकअप हो, वलीमे का मेकअप हो, जो भी मेकअप हो, आप उसके साथ जब नेल आर्ट करोगे तो इसी तरह से लगाओगे तो नेल्स ख़राब नहीं होंगे। और दूसरी बात, ये इतने अच्छे तरीके से लगे होते हैं कि आप इसको 2-3 दिन लगा के रख सकते हो, लेकिन जाहिर सी बात है नमाज पढ़नी होती है, वज़ू करना होता है और नहाना होता है या कुछ भी, तो आप जो है ना इसको उतार ही दें। मेरे हिसाब से बेहतर है कि आप इसको उतार दें। ये अगर कोई इसको लगाए रखना चाहता है तो वो लगा के रख भी सकता है 2-3 दिन तक, ये नहीं उखड़ेंगे। अगर आपको लगे कि नेल्स थोड़े से अभी भी कच्चे कच्चे हैं तो आपने इस तरह से क्यूटिकल पुशर के साथ इसको पुश करना है ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। दूसरे हाथ पे मैं आपको जी ट्रांसपेरेंट नेल लगा के दिखा रही हूँ। अब ये जो ब्लू पैकेजिंग में आते हैं ना नेल्स, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, ना ये लग के टूटते हैं और ना ही जब आप इनको वापस निकालते हो ये टूटते हैं, जबकि जो वाइट कलर वाले हैं जब आप इनको निकालने बैठते हो ना तो ये ज़रा ज़रा होकर बाहर निकलते हैं, क्योंकि एल्फी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है तो नेल्स बहुत मुश्किल से निकलते हैं बाहर। लेकिन नेल्स को उतारने का एक प्रॉपर तरीका है जो आपने फॉलो करना है। दूसरी बात, एल्फी के साथ नेल्स लगाना मैं रेकमेंड नहीं करती, क्योंकि ये जो है ना आपके नेल्स को डैमेज कर सकता है, क्योंकि ये जब उतरता है तो आपके फिंगर्स में आपके नेल्स के अराउंड थोड़ा सा पेन होता है और बाद में भी कई दिनों तक ये एल्फी के जो है ना स्टिकनेस होती है आपके नेल्स पे। तो इसको उतारने का खैर तरीका है कि आप नेल पॉलिश रिमूवर के साथ अच्छे से अपने नेल्स को साफ़ करो, दूसरा वार्म वाटर में, गर्म पानी में अपना फिंगर्स को डिप करें, देन उतर जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि एल्फी जो है ना वो आपके नेल्स को थोड़ा सा डैमेज कर सकती है जो आपके रियल नेल्स हैं। इस मेथड को अपने रिस्क पे करें, इससे उतरेंगे तो नहीं बिल्कुल भी फेक नेल्स, लेकिन हाँ आपका जो रियल हाथ है वो थोड़ा सा तकलीफ में आ सकता है इसको उतारते वक्त। जी हमारे फेक नेल्स बड़े अच्छे से लग गए। अब ये जो ट्रांसपेरेंट नेल्स हैं ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं, हालांकि दोनों की प्राइस सेम है, कोई कम नहीं है, ना वो ज़्यादा है ना वो ज़्यादा है, 200 रुपये के हैं दोनों ही। और मेरे ख्याल से ट्रांसपेरेंट वाले 150 रुपये समथिंग के थे और ये वाइट कलर वाले हैं ये जो है वो 180 के थे। दोनों की क्वालिटी में कोई खास फ़र्क नहीं, इसमें आपको डिफरेंट शेप्स भी मिल जाते हैं, एक कॉफिन है और दूसरा स्क्वायर टाइप का है, तो मुझे दोनों ही पसंद है। जी नेल पॉलिश की एप्लीकेशन, अच्छा नेल पॉलिश मैं लगाती नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं लगाती मैं दूसरों को लगा लेती हूँ लेकिन खुद को मैं कभी भी नहीं लगाती, चाहे जो भी फंक्शन हो मैं नहीं लगाती। तो अगर आपको लगे कि मैं बिल्कुल अच्छे से नहीं लगा रही तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, बिकॉज मैं नेल पॉलिश लगाती ही नहीं हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि अपने हाथों में किस तरह से लगाते हैं। मैंने आज तक जितने भी नेल्स वेयर किए हैं ना वो नेल आर्ट वाले ही वेयर किए हैं, तो मुझे नेल पॉलिश लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। और मैं आप सबको भी यही कहती हूँ कि नेल आर्ट वाले ही यूज़ करें जो ऑलरेडी बने हुए होते हैं, तो आपको ज़्यादा नेल पॉलिश या डिज़ाइनिंग या नेल आर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं रोमेंस की जो है वो नेल पॉलिश यूज़ कर रही हूँ रेड कलर में, बहुत ही अच्छी नेल पॉलिश है। अगर आप ट्रांसपेरेंट नेल पे ना मेट फिनिश नेल पॉलिश लगाएंगे तो उसका कलर एग्जैक्ट आएगा, अगर आप थोड़ा सा शाइनी नेल पॉलिश लगाएंगे तो उसका कलर जो है वो थोड़ा आपको डिफरेंट नज़र आएगा। अलावा जो नेल्स लगाने के मेथड हैं जिसमें आपको कोई नेल डैमेज या पेन नहीं होगा वो भी बताऊंगी इंशाल्लाह, लेकिन ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड है तो मैंने कहा चले मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे जी हमारा हो चुका है नेल आर्ट। इस तरह के ग्लू यूज़ होते हैं लेकिन बिल्कुल बेकार होते हैं, किसी काम के नहीं होते हैं। यहाँ पे मैं रोमन्स के नेल पॉलिश यूज़ कर रही हूँ, कहाँ से बाय कर सकते हैं मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी। ठीक है, छोटी सी टिप ये है कि अगर आप किसी ब्राइड को नेल पॉलिश लगा रहे हो तो आपने ना रेड नेल पॉलिश लगाने के बाद ग्लिटर वाला कोई नेल पॉलिश लगाना है तो वो बहुत ही खूबसूरत लगता है,
बहुत ही अच्छा और हसीन लगता है। ठीक है, सो यस, आज का वीडियो यहीं पर ही एंड होता है। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ज़रूर बताइएगा कि क्या आप दूसरा मेथड भी जानना चाहते हो कि किस तरह से नेल आर्ट किया जाए, किस तरह से फेक नेल्स लगाए जाएँ। चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।